ज़्यादा ड्राइड हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं, वरना बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हल्दी का फ्लेवर आ जाएगा। आई थिंक ये भी मैंने बहुत ज़्यादा डाला है, देखते हैं अभी। कैन सी हल्दी का कलर निकल रहा है। इसको एटलीस्ट 10 मिनट तक उबालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दालचीनी को मैं टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि इसका फ्लेवर और भी आए। ये आईब्रो इतना ज़िद्दी है ना, कभी ठीक नहीं रहता है। ये देखिए, ये है मेरा येलो टी। इसमें आप थोड़ा सा हनी भी मिक्स कर सकते हो, हल्का सा शुगर, शुगर फ्री इफ़ यू वांट। लेट्स ट्राई इट। ये मैंने पहली बार बनाया है, लेट्स सी हाउ इट इज़। खुशबू बहुत अच्छी है, दालचीनी अच्छे से डालना। नाइस, वेरी नाइस। मतलब हल्दी का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो बिल्कुल नहीं है। थिंक इसमें ना हनी जाना चाहिए बिकॉज इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। चीयर्स। ओहो, द दालचीनी इज किलर। मैंने ना गाइस अभी तक सर्दियाँ डिक्लेयर कर रखी है, मतलब मेरे लिए तो अभी आई डोंट नो व्हाई मुझे ठंड ज़्यादा लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, अरे मुझे आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया इफ आई वेयर सॉक्स। ये सनफ्लावर ऑयल है। सनफ्लावर ऑयल वो नहीं मिलेगा। सनफ्लावर ऑयल नहीं है भैया। ऑयल है क्या? कुकिंग ऑयल है? नहीं। हाय मेरा बच्चा, बच्चा बड़ा हो गया। मार्शल लुक अप, अप अप अप, गुड बॉय, अप 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 अप। मार्शल सिट, सिट मार्शल, कम ऑन, गुड बॉय मार्शल। मार्शल look here, look here, pretty boy, pretty boy, bye bye Marshall, bye। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? एंड आज का वेदर है एकदम सुहाना, मतलब चाय पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ वेदर। सो ये सारा सामान कल रात को मैंने लाया था, एंड यूजुअली मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ ग्रोफर्स, जो अभी ब्लिंकिट हो गया है, बट पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ब्लिंकिट बराबर चल नहीं रहा है। सबको अभी मैं सेट करूँगी। मैं ये बता रही थी कि जब इस ऐप का नाम ग्रोफर था तो उनका सर्विस वॉज टॉप क्लास। मतलब जब से ये ब्लिंकिट बना है ना, सर्विसेज बहुत ख़राब हो गए। जो है 15-15 मिनट में मेरा पूरा सामान आ जाता था, लेकिन अब ये लोग पीक टाइम के चार्जेस भी लगाते हैं, जो है 30-40 रुपीज़। टाइम पे भी नहीं आता है, कभी कभी दिखाता है 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी कभी दिखाता है देर इज़ नो डिलीवरी पार्टनर। एंड आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं ब्लिंकिट को अनइंस्टॉल कर दूँ। जो ग्रोफर्स के नाम से चला रहे थे वो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप जब काम से आते हो आपको चाहिए कि मतलब हर एक चीज़ कन्वीनियंट हो एंड फटाफट आ जाए। कभी कभी टाइम नहीं मिलता, ना ही पेशेंस होता, ना ही एनर्जी होती कि आप बाहर जाओ और सामान लेकर आओ। एंड मुझे नहीं पता मैं आपको ये सब क्यों बता रही, बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। मुझे लगता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा डल सी लग रही हूँ। होता है कभी कभी, यू नो ऐसा होता है। मतलब कभी कभी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कभी कभी आपकी स्किन बहुत डल लगती है ना। एंड टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे मेरा स्किन जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। नाश्ता टाइम। अच्छा, मुझे तीखा खाने का कुछ मन कर रहा था, घर में ये स्पाइसी नूडल था, एंड यस मैं स्पून के साथ खा रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, ओह नो, गिर गया। आई डोंट नो वाई मुझे नूडल्स जो है ना स्पून के साथ खाना बहुत पसंद है। आई लव, जस्ट लुक एट मी, आई एम सो क्लम्सी। ये देखिए यहाँ पे भी गिरा दी मैंने हाथों पे एंड जमीन पर भी। सो गाइज, आई एम गोइंग फॉर अ बाथ नाउ एंड मैं इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। एंड यस, कैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं आपको बहुत जल्द देखूँ नए वीडियो के साथ मिलनी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आई लव माई क्रेजी पीपल, बाय बाय।